एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे, बट सबसे पहले अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन की, जब कोई इंसिडेंट रे आके किसी प्लेन मिरर पे स्ट्राइक करती है, मान लो एक प्लेन मिरर है, उस पे कोई इंसिडेंट रे आके स्ट्राइक की, तो वो बनाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन जब हमारे पास वो रिफ्लेक्ट करेगी तो कंप्लीट रिफ्लेक्शन नहीं होती है, हमारे पास कुछ रे जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, काफी पार्ट उसका रिफ्लेक्ट कर जाएगा, लेकिन उसमें से कुछ पार्ट जो है वो रिफ्रैक्ट भी करेगा और कुछ पार्ट हमारे पास एब्जॉर्ब भी किया जाएगा। तो मींस मिरर कुछ को एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ की रिफ्लेक्शन होगी और रिफ्रैक्शन भी होगी, तो पार्शियल होती है हमारे पास चीजें। तो अगर पार्शियल रिफ्लेक्शन हुई है, कोई रे आके किसी मिरर पे, प्लेन मिरर पे स्ट्राइक की, इंसिडेंट रे मेकिंग सम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट नहीं हुई, उसमें से कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो गया और कुछ पोर्शन जो है वो मिरर ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस हुआ, मींस हमारे पास कितनी रे एनर्जी लेके आई थी वो उतनी की उतनी एनर्जी जो है वो बाउंस बैक तो नहीं की सेम मीडियम में, तो कुछ सर्फेस ने एब्जॉर्ब की, कुछ रिफ्रैक्ट हो गई, तो मींस एनर्जी लॉस हुआ। प्लस हमारे पास जो इमेज बनती है उसकी जो ब्राइटनेस है वो भी थोड़ी कम होती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो सिल्वरिंग जो है मिरर की वो रफ होती जाएगी, ब्राइटनेस भी डिक्रीज होती जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास जब हम प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन स्टडी कर रहे हैं तो नंबर वन कंप्लीट कुछ नहीं है, रिफ्लेक्ट होगी बट पार्शियल, उसमें एब्जॉर्प्शन भी होगी और रिफ्रैक्शन भी होगी। नंबर टू, एनर्जी डिक्रीज होगी, 100% जो है हमारे पास कन्वर्जन नहीं हो रही है, एनर्जी लॉस हो रहा है, प्लस उसके साथ साथ जो ब्राइटनेस है वो भी हमारे पास क्या है, कम है एज कंपेयर टू द इंसिडेंट रे, तो हमारे पास ब्राइटनेस कम है और धीरे धीरे ब्राइटनेस और डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां पे हम स्टडी करने वाले हैं रिफ्रैक्शन में कुछ केसेस, कि मान लो हमारा ऑब्जेक्ट है डेंसर मीडियम में, रे ने जाना है डेंसर से रेयर, हमने कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रे पास करवाई, रे गई, कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस था हमारे पास, तो जब जाती है डेंसर से रेयर, यहां जाना चाहिए था बट बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल में आर बड़ा होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां पे हमारे पास ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दैट इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो मींस जैसे जैसे ये मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाती हूँ, हम जैसे जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। हम आई इंक्रीज करते जा रहे हैं, एंगल आर इंक्रीज होता जा रहा है, अब करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमारे पास जो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्टेड रे है, ये फुली सर्फेस पे ग्रेज करना स्टार्ट कर देगी। मींस हमने आई बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते इतना आर बढ़ गया कि जो रे है रिफ्रैक्टेड रे वो सर्फेस पे ग्रेज कर गई, सर्फेस पे ग्रेज की इंटेंसिटी डिक्रीज हुई, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ा, इंटेंसिटी डिक्रीज हुई, जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है अब वो कहां मूव कर रही है, सर्फेस पे ग्रेज कर रही है। जब हमने इंसिडेंट रे पास करवाई थी डेंसर से रेयरर, लाइट बेंड की थी अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्योंकि जा रही है डेंसर से रेयरर, तो एंगल आर बड़ा था एंगल आई से, लाइट डेंसर से रेयरर गई, बेंड की अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो कुछ रे जो थी हमारे पास, कुछ पार्ट जो था वो रिफ्रैक्ट हुआ था लेकिन कुछ रिफ्लेक्शन भी हुई, उसमें ज्यादा रिफ्रैक्शन हुई है बट उसमें कुछ पार्ट जो था रे का वो रिफ्लेक्ट भी किया था, तो मींस वो सेम मीडियम में बाउंस बैक भी किया था। तो ये थी हमारे पास वो वाली रिफ्लेक्टेड रे। तो एक रिफ्लेक्टेड रे जो हम दिखा रहे हैं, मतलब कुछ जो पोर्शन है वो जो बाउंस बैक किया सेम मीडियम में और उसमें से कुछ पार्ट, ज्यादा पार्ट जो था वो रिफ्रैक्ट कर गया, तो मींस यहां जो एनर्जी लेके रे आई थी उसकी इंटेंसिटी यहां जाके थोड़ी सी कम हो गई। इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी हमारे पास क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट टाइम
पर यूनिट एरिया, ये है हमारे पास इंटेंसिटी। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं। तो जब कोई रे आई सरफेस पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, बेंड की अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी हुआ है, इंटेंसिटी डिक्रीज की, लाइट बेंड की है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो एंगल आर बड़ा है एंगल आई से। अब हमने सोचा हम ये आई थोड़ा 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 करके बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे एंगल आई बढ़ता जाएगा ये आर बढ़ता जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा ये सरफेस पे ग्रेस करेगी। तो जब ये सरफेस पे ग्रेस करेगी एंगल आर हो गया 90 डिग्री, लाइट सरफेस पे ग्रेस कर रही है, एंगल हो गया 90 डिग्री, कुछ रिफ्लेक्ट तो हो ही रहा है, कुछ पार्ट हमने पहले भी बोला कि रिफ्लेक्शन हो रही है, तो कुछ जो रे बाउंस बैक कर रही है सेम मीडियम में, तो मतलब हमारे पास कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टेड रे में भी आया है जो सेम मीडियम में बाउंस बैक किया, और कुछ पोर्शन हमारे पास रिफ्रैक्ट कर गया, एंगल कितना बनाया 90 डिग्री। रे जो रिफ्रैक्ट हुई कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री बना रही है। हमने बोला जब ये यहां से यहां आई थी, जैसे जैसे हम आई बढ़ा रहे हैं आर बढ़ रहा है, इंटेंसिटी डिक्रीज कर रही है, तो यहां की जो इंटेंसिटी है वो कम हो गई, मिनिमम हो गई, क्योंकि अब रे किस पे स्ट्राइक कर रही है, सर्फेस पे ग्रेस कर रही है। थर्ड केस लेते हैं हमारे पास, जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाते बढ़ाते और ज्यादा हो जाएगा, तो ये रे पहले यहां थी, यहां से यहां से यहां सरफेस पे आई, अब करते करते ये वापस अंदर ही आ जाएगी। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ा दिया कि अब रे जो रिफ्रैक्ट हो रही थी वो पहले सरफेस पे ग्रेस की, फिर सारी की सारी अंदर आ गई। तो ये जो प्रोसेस है इसमें 100% रिफ्लेक्शन हो रही है, 100% जो लाइट है वो वापस आ रही है सेम मीडियम में, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि कुछ एनर्जी लेके रे आई के स्ट्राइक की पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, बट अब मेरा एंगल आई इतना बढ़ चुका है कि हमारे पास जो रे है वो कंप्लीट अंदर की तरफ कर रही है बाउंस बैक। इस प्रोसेस को बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें हमें 100% कन्वर्जन मिलती है, कुछ रिफ्रैक्ट नहीं हो रहा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, प्योर रिफ्लेक्शन है। एंड इसमें जो इंटेंसिटी है या जो एनर्जी है वो कंप्लीट कन्वर्ट हो रही है, मीन्स जितनी इंसिडेंट रे एनर्जी लेके आई थी उतनी ही एनर्जी लेके जो हमारी रे है वो इंटरनली रिफ्लेक्ट कर रही है, इंटरनली बाउंस बैक कर रही है सेम मीडियम में विद फुल ब्राइटनेस। जैसे हमने बोला अगर प्लेन मिरर पे आके कोई रे स्ट्राइक करती है तो ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी पहले से, तो ब्राइटनेस कम हो रही है क्योंकि वहां पे एब्जॉर्प्शन भी हो रही है, रिफ्रैक्शन भी हो रही है। तो क्योंकि बाकी सब चीजें जब पार्शियल रोल प्ले करना स्टार्ट करती हैं तो एनर्जी उस तरफ भी थोड़ी सी जो है हमारी कन्वर्ट हो गई। तो यहां तो सारी की सारी रे वापस बाउंस बैक की सेम मीडियम में, इसको बोलेंगे TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब तीनों केसेस को यहां फिर से स्टडी करते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट है डेंसर में, ये हमने ले ली नॉर्मल, सबसे पहली रे आके स्ट्राइक की, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां से ये हमारा जो एंगल बना वो कितना था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रे रिफ्रैक्ट कर गई, कुछ रिफ्लेक्शन भी हुई, तो रिफ्लेक्टेड जो है हमारे पास वो इस तरफ आ गई है और जो रिफ्रैक्ट हुई है वो यहां है। तो इस केस में हमने बोला कि एंगल आई था बट बहुत बड़ा नहीं था, बट रिफ्लेक्शन भी हुई है रिफ्रैक्शन भी हुई है, तो 100% कन्वर्जन तो नहीं है, इंटेंसिटी मैक्सिमम नहीं है, इंटेंसिटी डिक्रीज हो गई। केस नंबर टू, हमने बोला अब रे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, ऐसे बढ़ाया कि रे अब यहां की बजाय सरफेस पे ग्रेस करने लग गई, तो एंगल आर कितना हो गया 90 डिग्री, तो रे कहां ग्रेस कर रही है, सरफेस पे मूव कर रही है। इस एंगल को, जिस एंगल पे हमारे पास जो रे है वो सरफेस पे ग्रेस करना स्टार्ट कर देती है, इसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रे सरफेस पे ग्रेस करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल, एंगल सी। तो ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल है, आर कितना हो गया 90, तो मींस इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल और हमारा जो एंगल आर है वो कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। तो क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करने के लिए भी हम इसी पॉइंट को यूज करते हैं। हमने बोला था केस नंबर वन, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है क्रिटिकल एंगल से, तो हमारे पास जो रे है वो क्या कर रही है, रिफ्रैक्ट कर रही है, बट कुछ पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है और इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है।
केस टू व्हेन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल सी लाइट इज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर फ्रॉम मीडियम टू एयर तो साइन आई बाय साइन आर यहां साइन आई कितना है एंगल आई इज इक्वल टू हम सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या आई सी से भी क्रिटिकल एंगल हो तो मींस जब सरफेस पे रे ग्रेस करेगी जब एंगल आर 90 होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल तो एंगल आई किसके इक्वल हो गया एंगल सी के तो मींस इसको हमने क्रिटिकल एंगल ले लिया साइन 91 होता है तो ये हमारे पास कितना आ गया ग्लास टू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन सी हम इसको रीड कैसे करते हैं दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो नीचे लिखा होता है उसका ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास बट हम जब स्टडी करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हम ए से एयर से मीडियम में जाएंगे तो मींस रिवर्स करेंगे ए म्यू जी यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी मींस व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम 1 to 2 दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट इज गोइंग फ्रॉम 2 to 1 तो यहां 1 to 2, 2 to 1 किया तो 1 by sin c हो गया तो ए म्यू जी इज 1 by sin c हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन डिराइव कर लिया यूजिंग द क्रिटिकल एंगल अब क्रिटिकल एंगल को भी यहीं से डिफाइन कर देंगे क्रिटिकल एंगल क्या है क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम ये है हमारे पास क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम व्हेन आर इज 90 व्हेन In the denser medium, corresponding to which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree. तो means यहीं से हमने ये relation derive किया, यहीं से हमने critical angle define किया कि हमने I लिया था उसको इतना बढ़ाया कि जो R है, जो refracted ray है, वो graze करती करती move करती करती surface पे move करना, surface पे graze करना start कर दे। तो जब वो surface पे move कर रही है, angle R 90 हो गया। तो means when angle I is equal to IC or C तो R कितना होगा 90 डिग्री तो वो C क्या है क्रिटिकल एंगल है क्रिटिकल एंगल किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है तो क्रिटिकल एंगल मैंने बस एक ही चीज बोली है हमें ये पेयर्स याद होने चाहिए वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज इनवर्सली और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डेविएशन अब यहाँ एक और चीज डिनोट कर रहे हैं एंगल सी क्रिटिकल एंगल इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ तो अगर वो वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है रेड की किसकी कम होती है वायलेट की तो उल्टा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्स हो जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वायलेट का ज्यादा होता है रेड का कम होता है तो सी तो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्रिटिकल एंगल किसका ज्यादा होगा रेड का ज्यादा होगा वायलेट का कम होगा सेकेंड टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्पीड इंक्रीज करती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्पीड इंक्रीज करती है तो टेम्परेचर इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड स्पीड तो हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एंगल सी भी क्या करेगा क्रिटिकल एंगल भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा तो यहीं पे एंगल सी के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड वेलोसिटी इनवर्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ डेविएशन बस ये याद रखने हैं लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बट दे आर इनवर्सली टू ईच अदर ये इनवर्स है हमारे पास तो बस ये इनवर्सली वेरी करेंगे और ये आपस में डायरेक्टली है नेक्स्ट उसके बाद आ गया हमारे पास कंडीशंस TIR की कंडीशंस अब हमने थर्ड केस में बोला हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ाया कि सारी की सारी रे सेम मीडियम में ट्रेवल करेगी TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रे कहां से चली डेंसर से मीडियम तो कंडीशंस क्या हो गई TIR की कंडीशन नंबर 1 जो रे है वो ट्रेवल करेगी डेंसर टू रेयरर कहां से कहां जानी चाहिए द रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम तो ये मस्ट वाली चीज तो मस्ट हो गई क्योंकि कंडीशन है तो TIR मींस हमारे पास सबसे पहली कंडीशन रे कहां से कहां डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल और इसके बाद ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट ये भी इक्विवेलेंट जो है हमारे पास कि फैक्टर्स कौन से होते हैं तो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए नेक्स्ट ये चीज हमने कर ली जब हमने बोला प्लेन मिरर पे आके कोई रे स्ट्राइक करती है तो 100% नहीं है कुछ भी रिफ्लेक्ट करेगी बट रिफ्रैक्ट और एब्जॉर्ब भी करेगी 100% एनर्जी जो है वो कन्वर्ट नहीं होने वाली है
तो इसका मतलब जो ये वाला कॉन्सेप्ट है इसमें TIR में 100% रिफ्लेक्शन होगी, 100% ब्राइट इमेज मिलेगी। यहां पे प्लेन मिरर में नोट है 100% आवर एनर्जी और इंटेंसिटी इज रिफ्लेक्टेड बैक। इंटेंसिटी मींस एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो इस केस में ये है, बट नो अदर डिवाइस सच एज प्लेन मिरर एटसेट्रा प्रोड्यूसेस 100% रिफ्लेक्शन। ये भी किया कि प्लेन मिरर में भी हमारे पास एब्जॉर्प्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से एनर्जी लॉस होता है। बाय।